बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुक्रगुजार हैं शारमीन फूड खजूर कंपनी जिन्होंने खैरपुर से पिछले साल की तरह इस बार भी एक कंटेनर यहां पर खजूर भेजी है जेडीसी में रमजान मुबारक के लिए। मैं एक बात बताता चलूं, सबसे पहले इनका शुक्रिया कि हर साल ये खजूर भेजते हैं। कराची में जो लोग भी रोडों पर अफ्तार कराते हैं, जो लोग भी रोडों पर आम लोगों का अफ्तार कराते हैं, वो यहाँ से हमारे यहाँ से खजूर आकर ले सकते हैं, उनको खजूर दे दी जाएगी। इसके अलावा भी खजूर का सिलसिला जारी रहता है हमारे पास, सारे रमजान लोग भेजते हैं। और एक तो ये कि जिनको खजूर चाहिए यहाँ से ले लें, दूसरा ये कि अभी हुकूमत की जो भी पॉलिसी है रमजान के हवाले से वो हमारे पास जैसे ही आ जाती है तो फिर हम ऐलान करेंगे। जिस तरह जेडीसी गुज़िश्ता सालों में रमजानों में सैरी कराती थी डेली 40,000 लोगों को, वो सिलसिला अगर होता है तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। किस तरह से डेली सैरी का इतमाम होगा वो बता दिया जाएगा, किन किन जगहों पर होगा वो बता दिया जाएगा। और अगर लॉकडाउन की पोजिशन होती है सैरी वाले टाइम पर जैसा पिछले साल थी, तो जिस तरह जेडीसी हजारों बॉक्सेस बनाकर लोगों के घरों में पहुंचा रही थी, वो सिलसिला तो जारी रहेगा सैरी रफ्तारी का। और जो जेडीसी के मराकज हैं, जैसे कि अब्बासी शहीद अस्पताल है, सोराब गोड है, जौहर चौरंगी है, सोराब गोड है, जहां जहां बाकी जो हमारे कंटेनर खड़े होते हैं, जहां जहां मोबाइल कंटेनर, वो तमाम जगहों पर सैरी और अफ्तारी तकसीम की जाएगी। उसके अलावा मुख्तलिफ बस्तियों में जाएगी। मैं एक अपील करना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर लॉकडाउन की सूरत हाल होती है जैसा कि सुनने में आ रहा है कल से मुसलसल, तो बराए मेहरबानी आप कोशिश करें कि हमें खुश राशन दें, ताकि जेडीसी के राशन प्रोग्राम को और बढ़ाया जाए और लोग वो लोग जो घरों के अंदर होंगे उनको अफ्तार बॉक्स में खजूर और राशन पहुंचाया जाए। अफ्तारी बॉक्स से ज्यादा बेहतर ही होगा उनके लिए कि उनको खजूर और राशन पहुंचाया जाए। राशन आप जेडीसी के किसी भी सेंटर पर पहुंचा सकते हैं। और एक और आसानी आपके लिए कि आप जेडीसी को जरूरी नहीं है पूरा राशन बॉक्स दें, आप जेडीसी को सिर्फ दाल दे सकते हैं, सिर्फ आटा दे सकते हैं, सिर्फ घी दे सकते हैं, सिर्फ तेल दे सकते हैं। हमारे पास खुद भी वसाइल इतने होते हैं, लोग इतना दे रहे होते हैं डोनेशन के, हम फिर उसको खुद राशन बना के तैयार कर लेते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, जिन लोगों को खजूर चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की खजूर है। देखें, ये टनों के हिसाब से खजूर भेजी गई है यहाँ पर, पिछले साल भी भेजी थी उन्होंने, और भी बहुत सारे लोग भेजते हैं, उन सबको शुक्रिया। दिखाओ, देखें ये इस तरह से होते हैं खजूर, ये इनकी पैकिंग है, ऊपर करना भाई, ये इनकी पैकिंग होती है। और ये देखें आप, ये खजूर अपना हाथ लाओ, ये देखें आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखें कितने बेहतरीन और कितनी साफ सुथरी खजूर है। तो जिन लोगों को भी ये रमजान में अफ्तारी जो लोग कराते हैं रोडों पर, अगर हमसे राबता करते हैं उनको खजूर फराहम की जाएगी। इस तरह इसके अलावा जेडीसी के तमाम दस्तरखानों में अफ्तारी में भी इस्तेमाल होगी। बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें।